गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज चेकआउट का टाइम है। आज हम सोल से जा रहे हैं बुजान। और बुजान कैसे जा रहे हैं प्रेरणा? बुजान हम जा रहे हैं ट्रेन टू बुजान से। याद है वही वाली ट्रेन जिसमें ज़ॉम्बीज होते हैं जिन्होंने अटैक कर दिया था? मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। 4 घंटे की जर्नी होने वाली है। 4 घंटे में कुछ भी हो सकता है। फिर से एपोकलिप्स आ सकता है। फिर से ज़ॉम्बीज हम पे अटैक कर सकते हैं। बुजान क्या हम पहुंच पाएंगे सेफली? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। चलो चलते हैं यहाँ से सोल स्टेशन जो कि 15 मिनट दूर है। चेकआउट करते हैं आखिरी बार, प्यारा सा व्यू देखते हैं। सोल स्टेशन पहुंच गए हैं। KTX ढूंढनी है, बुलेट ट्रेन। हमारी ट्रेन में अभी टाइम है तो हमने सोचा ब्रेड ही उठा लेते हैं। यहाँ ब्रेड भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। यहाँ पे इतने क्यूट क्यूट पेस्ट्रीज बनी हुई है। और ये है हमारी ट्रेन टू बुजान। तो अभी हम ट्रेन के अंदर हैं और आपको ये सीट्स देख के याद आ ही रहा होगा, यही थी ट्रेन टू बुजान। यहाँ पे ना वेंडिंग मशीन लगी है। चौको चाहिए चौको। यहाँ पे कोई कॉफी चाहिए स्टारबक्स की तो वो भी है। 1500 won की है कॉफी। और हर्ष मुझसे पहले पहुंच चुका है। ये हमारी सीट्स, ये 11A11B। फाइनली ट्रेन टू बुजान बोर्ड कर लिया है। और सबसे खुशी की बात यह कि हमारे डब्बे में कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों। और सीट्स के साथ मेरे शर्ट का कलर मैच कर रहा है। आज मैं पूरी कोरियन बनी हुई हूँ। मैंने यहीं से ये कपड़े लिए थे, यहीं के कपड़े पहन लिए। जैसा देश वैसा भेस। मैं अभी यहाँ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि हम ट्रेन टू बुजान बोर्ड कर चुके हैं। पर ये खा रहे कह रहे हैं कि अगर ज़ॉम्बीज आ गए उससे पहले पहले कुछ खा लूँ मैं। मेरी यही सोच है, अगर ज़ॉम्बीज आ गए उससे पहले खाना वाना खा लूँ। तो बंदे ने टार्ट खोल लिया, पाइनएप्पल टार्ट खाया जा रहे हैं। यहाँ पे बड़ी बढ़िया सी है, BTS की कैप पहन के घूम रहा है। ट्रेन बहुत सही है यार, मतलब सीरियसली पूरा डब्बा खाली है यार। बहुत लोग आएंगे देखते जा। अभी बस कुछ ही देर में हमारी ट्रेन चलने वाली है, सुपर फास्ट ट्रेन। और ज़ॉम्बीज आने वाले हैं। बहुत बुरे लग रहे। अच्छी बात है हमारे डब्बे में कुछ लोग हैं। क्यों प्रेरणा? Exactly, हम उन्हें पहले आगे करते हैं कि इनको खा लो। अबे नहीं, हमें बचा लेंगे भाई। वो बंदे आ गए हमारे डब्बे में। मुझे लगा था हम अकेले होंगे बट अब। सो एग्जैक्ट टाइम इस ट्रेन का चलने का है 11:33 और ये हमें 2:49 पे बुजान पहुंचा देगी। Yes, फिर हम आपको बुजान दिखाएंगे। बहुत सुना था यार कोरियन ट्रेन के बारे में ना, आज बैठ भी गए। देखते हैं कितनी सुपर फास्ट होती है। कहते हैं ना जापान और कोरिया की ट्रेन सुपर फास्ट होती है, एकदम मलाई की तरह चलती है। आज देखते हैं इसका फील लेते हैं। आपको हर्ष दिखाने वाला है, डेमो देने वाला है कि ये सीट कितनी कंफर्टेबल है। एक्चुअल में है भी यार, पुशबैक है यार। सो गया। नींद भी आ जाती है और खाने के लिए टेबल भी है। और एग्जैक्ट 11:33 पे हमारी ट्रेन चल पड़ी है। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं यहाँ का बहुत ही फेमस ब्रिज। तो भाइयों प्रेरणा तो सो चुकी है, हम पहुंचे हैं सुवान स्टेशन। मैं देख रहा हूँ बाहर इतनी भीड़ है ना, अब ये ट्रेन पूरी फुल होने वाली है। आई थिंक ये मेन स्टेशन होगा यहाँ से, जहाँ से फिर उसके बाद सिर्फ बुजान ही रुके। भाई अब ट्रेन पूरी फुल है, इसका मतलब बहुत लोग ट्रैवल करते हैं यहाँ पे ट्रेन से यार। अभी ट्रेन के अंदर एक वेंडिंग मशीन है, चलो इससे प्रेरणा के लिए कोक पेप्सी कुछ निकालते हैं। खाने की आइटम दिख रही है, कोक पेप्सी तो बिल्कुल नहीं दिख रही। सैडली कोल्ड ड्रिंक तो नहीं है। बाकी चलते हैं प्रेरणा से पूछते हैं अगर उसको कुछ और चाहिए। तो मेरी कोल्ड ड्रिंक ही लेके आया। मिली नहीं यार, मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये मेरी टार्ट, क्यूट सी स्ट्रॉबेरी टार्ट। कैसी है प्रेरणा? बहुत टेस्टी यार। एक घंटा सवा घंटा और बचा है। हम बच गए और फाइनली हम बुजान पहुंच गए। ये हमारा स्पेशल बैग है, एक छाता बैग। यार यहाँ ये रखना ना बहुत जरूरी है, हर टाइम बे टाइम बारिश हो ही जाती है। बुजान के प्लेटफॉर्म पे हम आ गए हैं। एग्जिट ढूंढ, एग्जिट 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 वो रही एग्जिट। यहाँ पे स्टेशन पे ऑलिव यंग का इतना बड़ा स्टोर है, कॉस्मेटिक्स के तो दीवाने हैं भाई है। अभी हम लोग ट्रेन स्टेशन से निकल के टैक्सी स्टॉप पे आ गए हैं। यहाँ पे एक एक करके टैक्सी आ रही है, क्यू बना हुआ है, सब एक एक करके टैक्सी में बैठ रहे हैं। ये भी सही है, आपको बुकिंग नहीं करानी। हमें जाना है सोलारिया होटल जो यहाँ से 15 मिनट्स है। भूख लग रही है ऐसे बहुत ज्यादा। वेजिटेरियन ऑप्शन सच में बड़ी मुश्किल है यहाँ ढूंढनी। बुजान आते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे अंग्रेजी की और दिक्कत होने वाली है। यहाँ कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, अभी किसी को समझ ही नहीं आ रहा। समझ रहे हैं भैया कि कौन सी जगह जाना है। भाई सही बताओ, लैंग्वेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे ना। अब इनको समझाने में इतनी दिक्कत हो रही है, कौन सा होटल है, सोलारिया। ट्रांसलेट काम आ रहा है। और फाइनली पहुँच गए हैं हम अपने सोलारिया होटल। Later that same evening. ना तेरे पास बैग, ना तेरे पास घड़ी, ना तेरे पास किसी जूते, क्यों खड़ी है यहाँ पे? बस ऐसे पोज कर रही थी मैं तो। ये ले नॉवल पढ़ ले इसके साथ बैठ के। तो अब ये लड़की मेरे को थोड़ा सा चलवा के यहाँ ले आई है, कह रही है ई मार्ट जाना है। क्या दिलाई है? पड़ा हुआ था कल से कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें नहीं देखी, इलेक्ट्रिकल चीजें नहीं देखी। मैं चलाते कोई इलेक्ट्रिकल चीजें दिखाऊं। ग्रिलर लेने के लिए कह रहे ब्रेड बना के खाएंगे, ब्रेकफास्ट सोखा हो जाएगा हमारा। क्या लेने आए थे और क्या लेने लग गए? फिर मेकअप। यार देखो पता है इनिसफ्री ना इंडिया में इतना पॉपुलर हो रहा है, जबकि ये कोरिया का ब्रांड ही है और यहाँ पे इतना सस्ता मिल रहा है। 1+1 पर है क्या ये?
फेस वॉश नहीं चाहिए मुझे, चाहिए नहीं चाहिए। तो हर्ष ने लिया ये वाली क्रीम इनिसफ्री की, उसको बोला उसकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। ये 15,750 की है। मैंने लिया है ये वाला सेट, ये 25,000 का है। इसके साथ मुझे टोनर और एक फ्री गिफ्ट भी मिल रहा है, तो मैंने कहा फ्री गिफ्ट तो हम छोड़ते नहीं। और मैंने एक ये लिया है 16,000 का बबल फोमिंग मास्क, इसके ऊपर भी डिस्काउंट है। खुश हो गया तू तो? एक्चुअल में इनिसफ्री का ना बहुत ज्यादा आजकल क्रेज बढ़ गया है इंडिया में, और जब मेरे को पता लगा कि ये कोरियन ब्रांड है तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मुझे इनिसफ्री की शॉपिंग करनी है। मैं खुद भी पर्सनली यूज कर रही थी कुछ कुछ चीजें, तो आज तो मैंने पूरा दिल खोल के लिए इतनी सारी चीजें। अब ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे लगे हमें कॉस्मेटिक। भाई वो बंदी तेरे को फ्री गिफ्ट भी दे रही है पता है कुछ? सही में? वाह यार, बहुत कुछ अलग अलग, कुछ समझ भी नहीं आ रहा पर बहुत कुछ है। थैंक यू, कितनी क्यूट है, कितनी खुश होकर जा रही है। और फाइनली शॉपिंग का बिल बना है 2,80,000। कितने की शॉपिंग इंडिया में करी होती? लुट गए होते। The next morning. और दिन की शुरुआत प्रेरणा की मॉर्निंग ड्रिंक के साथ कैंटलूप मेलन येलो सरदा, नहीं होता उसमें जिलेटो डाली हुई है, इतनी टेस्टी ड्रिंक है। और अब हम जाने वाले हैं यहाँ से होंडू बीच, जो कि बुजान का सबसे ब्यूटीफुल बीच है। यार वो ट्रेन में बैठेंगे ना, वो जो कैप्सूल सी ट्रेन है, कैप्सूल में बैठेंगे, बहुत मजा आने वाला है यार, चलो लेके चलते हैं। यार बड़ी मुश्किल से हमने टैक्सी तो बुक करा लिया, बट एक प्रॉब्लम हो गई टैक्सी में बैठते ही। इसने जो ड्रिंक लेना है उसके अंदर मैजिक पॉप्स हैं बहुत सारे, तो पट 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 आवाज आ रही है इसके मुंह से, और ड्रिंक के ग्लास में से भी अपने आप फट पट पट आवाज आ रही है। जो ड्राइवर है ना बार बार पीछे मुड़ के देख रहे, वो सोच रहे कैसी आवाज निकाल रहे हैं, हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, इतने मैजिक पॉप डाल रखे हैं। तो हम आ गए हैं ब्लू पाइन पार्क, यहाँ पे ना स्काई कैप्सूल चलता है, ऐसे छोटी छोटी ट्रेन के डब्बे होते हैं, उन डब्बों में हम बैठ सकते हैं और नीचे पूरा सी दिखता है और ऊपर आसमान। चलो आपको दिखाते हैं क्या है ये बला आफत, क्या है। बड़े कलरफुल से डब्बे थे, मैंने जब ऑनलाइन पिक्चर देखी थी ना, यहाँ देख रहे हो सब कितना कलरफुल सा है। और अब हम आ गए हैं टिकट ऑफिस, दो ट्रेन चलती है यहाँ पे, एक स्काई कैप्सूल और एक बीच ट्रेन। तो हम स्काई कैप्सूल से जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। 30,000 रुपए लगे हैं हमारे। तो ये ऐसे छोटे छोटे कैप्सूल होंगे जिसके अंदर हम आज ट्रेवल करने वाले हैं। क्या लगता है हर्ष कौन से कलर की कार्ट में बैठने वाला है तू? चल तू एक कलर चूज कर। ग्रीन, येलो, ग्रीन। लो दोनों का ही कलर नहीं आया। एनीवे चलो कैप्सूल में बैठते हैं और आपको बताते हैं साथ साथ सब्सक्राइबर ऑफ द वीक जो है निराली, सरोज, स्वाति, गुंजन, जुगल किशोर, अर्शप्रीत, सरीना एंड हान्या। अगर आप भी बनना चाहते हो टॉप सब्सक्राइबर ऑफ नेक्स्ट वीक तो आपको बताना आपका फेवरेट स्पोर्ट। मेरा तो क्रिकेट है। लो चल पड़ा कैप्सूल। दग 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 करके चल रही है ये छोटा सा डब्बा ट्रेन का। फाइनली हम ट्रेन के अंदर हैं और ऑनेस्टली बता रही हूँ जो कलर हमें नहीं चाहिए था वही मिल गया। इसको येलो चाहिए था, मुझे ग्रीन चाहिए था, हमें मिला रेड। रेड यही होता है हमारे साथ। कह रहा था वेट कर लेते, पीछे ब्लू आ रहा है, मैंने कहा चुपचाप बैठ जा, इतनी देर से वेट करके आधा घंटा लग गया। एक्चुअल में बहुत स्लो लाइन है, बट ठीक है अभी फाइनली हम इस बुजान ब्लू लाइन पार्क की ट्रेन के अंदर है और हाफ एन आवर लगेगा आई थिंक वहां तक पहुंचने में। दुबई जैसी फील आ रही है मुझे ना एक्चुअल में बुजान देख के, बिल्कुल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ऐसे लग रहे जैसे ना मैनमेड बीचेस है। वैसे मैनमेड है नहीं है होंडे बीच, बट लग ऐसे ही रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है। हर्ष सामने जाके बैठ गए, क्या बात है सर, क्या बात है। ओ भाई अब हमें पानी के ऊपर, कितना प्यारा, दूर कहीं दरिया बहता है। यार ये छोटा सा कैप्सूल है पर इसके अंदर ना चार चार पंखे लगा रखे हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपको गर्मी ना लगे। और बहुत एरी है, एक्चुअल में खुला भी है, खिड़कियां भी खुली पड़ी है। छोटा सा यार ये, मतलब देखो ऐसे इतना सा डब्बा है यार, इसमें 24 आवर्स रहे ना तू, यही रह गया बस 24 आवर्स, जो भी अच्छी लगे चीज वहीं पे 24 आवर्स रह लो। ओ मुझे वेल की वेल वहाँ पे वेल थी। हाँ ब्लू वेल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर्पल वेल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देख हमारी साइड पर कितने सारे डब्बे जा रहे हैं कलरफुल से, ये हमारी फोटो खींच रहा, इनकी फोटो खींचते हैं। हेलो, मैं कह रहा हूँ कोरिया वालों ने ना बढ़िया बढ़िया अट्रैक्शंस बनाई हुई है लोगों को ना अट्रैक्ट करने के लिए। 30,000 कोरियन वॉन लगे हैं हमारे को इस स्पॉट में बैठने के लिए, जो हमारा पर्सनल पॉड है दो बंदों के लिए। अब वहाँ से हम दूसरी ट्रेन लेके आएंगे वापस, क्योंकि तो बहुत स्लो है। प्रेरणा वैसे एक बात बताऊं यार, हमें ना आधा घंटा लगा इसको पकड़ने के लिए, अब ये जब से चल रहा ना इतना स्लो चल रहा है, मैं थक गया हूं, मैं बोर सा हो गया हूं। स्पेस एक्चुअल में बहुत स्लो है। हिमेश की तरह गाना तो सुना दे। बहुत बुरे लग रहे। और ये हम अपने अंतिम चरण जर्नी के आते हुए, बहुत तेज की भूख लग रही थी तो एक ये रब का कैफे मिला है। यहाँ पे हमें वेजिटेरियन पिज्जा मिल रहा है, पिज्जा मिल रहा है, फ्राइज मिल रहे हैं और लेमोनेड मिल रहा है। हर्ष की शक्ल उतर गई है, बेचारा घूम घूम के थक गया है। यहाँ आ गए हमारे डिलीशियस फ्राइज, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। तो ये ना पूरा फैल गया था कैप्सूल से उतरते ही, मुझे कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, टैक्सी करते वापस चलते हैं। मैंने कहा नहीं यार थोड़ा सा आगे चलते हैं, कैफे ढूंढते मिल जाएगा इटालियन कैफे। फाइनली हमें अच्छा खाना मिल गया है और बाहर इतनी तेज हवा चल रही है कि क्या ही बताऊं आपको, बंदा उड़ जाए बता, इतनी तेज हवा है एक्चुअल में।
है। जेजु आइलैंड जाने का हमारा प्लान थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है। और यहाँ आ गया हमारा डिलीशियस पिज्जा। ओ भाई साहब, अब टेबल ना पूरी भर गई है। प्रेरणा सब कुछ ठीक है, बट ये पिज्जा में बादाम क्यों डाल दिए काट काट के? पूछ मत, बस ये क्या है, चुपचाप आंखें बंद करके खा ले। और ये प्रेरणा चीज पुल करते हुए, ओ हो हो, सारा चीज नीचे गिर गया। क्या फूड ब्लॉगर बनेगी रे तू? मैं बनना है फूड ब्लॉगर, मेरा फूड बनाने से खाने से दूर दूर तक लेना था। अब फाइनली बीच चलते हैं, बीच देखना है तो बीच भी चल लेते हैं। पैदल चलना चाहिए ना, टैक्सी में क्यों जा रही है? तो कुछ दूर चलते ही हम पहुंच गए होंगडे बीच। घर से निकलते ही यार हमें यहाँ रुकना चाहिए था यार, ये बहुत अच्छा एरिया है होंगडे बीच। होंगडे पूरा एरिया ही अपने आप में बड़ा अच्छा है। सामने मार्केट इतनी बढ़िया लग रहा है, पीछे एक्वेरियम है। अभी एक्वेरियम में चलते हैं, फिशेज और शार्क्स देखते हैं। मैं तो कह रहा हूँ स्विम करते ना, यहाँ असली में दिख जाएंगी। तेर से बड़ी मछली तो कोई भी नहीं है। ओए जहाँ तक देखो ब्यूटी ही ब्यूटी है। ये लोग यहाँ सबकी फोटो खींच रहे हैं, हमारी भी खींच देंगे। जा यार बहुत फोटोज होगी नहा जाके। और यूं ही बीच पे सैर सपाटा करते करते मेरा ध्यान गया एक्वेरियम की तरफ। चलो आज आपको दिखाते हैं समंदर के कुछ राज। कितना एंजॉय कर रही है, इसको ऐसा लग रहा है इसलिए इतने पानी में चली गई है। हर्ष वहाँ पे जैकेस पेंगुइन्स हैं, बट वो आ ही नहीं रहे इधर। अबे कोरियन चूहे हैं ये, चूहे। अबे रुक जाओ, भाग का रहे हो। प्रेरणा मेकअप कर ले, देख कितना बड़ा फाउंडेशन ब्रश है। वो मारेंगे, डू नॉट टच लिखा है। भाई अलग ही लोग हैं सीरियसली, कितना मेकअप का इनको क्रेज है, कितना शौक है। मतलब पूरा मेकअप रूम बना रखा है यार, पिंक कलर का, इतना क्यूट सा। मेरा ड्रीम है ऐसा मेकअप रूम, मुझे भी चाहिए यार। घर में एक पूरा बड़ा सा मैसिव मेकअप रूम बनाऊंगी। प्रेरणा कल तू कॉम्पैक्ट ढूंढ रही थी ना, देखिए हम कॉम्पैक्ट की डिब्बी के अंदर आ गए। अब हम पानी के अंदर है, हर तरफ पानी है, नीचे भी। भगवान ना करे टूट जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग है बताए। और मैं इसके अंदर, तेरे ऐसे 500 बंदे खड़े हो जाएंगे तो भी नहीं टूटेगा ये। जल समाधि, हम एक्चुअल में ओशन के अंदर है बताए। यार यहाँ पे आप ना ग्लास बॉटम बोट भी कर सकते हो, बोट के अंदर बैठ के एक्वेरियम पूरा घूम सकते हो। क्रेजी है यार। पर तो भाइयों और बहनों, यूं हमने बिताया अपना दिन कोरिया के एक बहुत ही प्यारे से टाउन बुजान में। बहुत मजा आया बीच पे जाके, एक्वेरियम में जाके, स्काई कैप्सूल करके। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का व्लॉग। अगला व्लॉग देखना मत भूलना, बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना खाने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।